नमस्कार, मैं हूं शिवानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। शाम तक की बड़ी खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। इस समय तक पूरी होगी बिहार में ये 10 सड़क परियोजना। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर हाई कोर्ट ने 28 तक AAI से मांगी रिपोर्ट। निकाय चुनाव से संबंधित ताजा अपडेट आई सामने। इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में खेलने को लेकर BCCI अध्यक्ष सौरभ गांगुली का बयान। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। इस समय तक पूरी होगी बिहार में ये 10 सड़क परियोजना। केंद्रीय पथ निर्माण मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक प्रश्न के जवाब में बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार की 10 सड़क परियोजना को कब तक पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इसके जवाब में पथ निर्माण मंत्री ने बताया कि इस वर्ष पूरी होने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में भोजपुर बक्सर NH 84 है, जिसकी प्रारंभिक लागत 880.62 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 1,722.37 करोड़ हो गई है। इसको इस साल दिसंबर में पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही कोइलवर भोजपुर सेक्शन की लागत भी 1,069.59 करोड़ से बढ़कर 1,657.20 करोड़ हो गई है और इसे सितंबर 22 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बिहार के सीतामढ़ी खगड़िया, सीतामढ़ी जयनगर नहरिया, गंगा दाऊद नगर किशनगंज फ्लाईओवर, फारबिसगंज जोगबनी, पिपरा कोठी मोती हारी रक्सौल अन्य प्रमुख सड़कें हैं जिन्हें इस वर्ष तक पूरा कर लिया जाएगा। निकाय चुनाव से संबंधित ताजा अपडेट आई सामने। बिहार में निकाय चुनाव को लेकर ताज़ा अपडेट सामने आए हैं। आपको बता दें कि 230 नगर निकायों में अब तक वार्डों के गठन का काम पूरा हो चुका है। इसके बाद अब कभी भी निकाय चुनाव की तिथि जारी की जा सकती है। हालांकि अभी भी चौथे चरण के 9 और पांचवें चरण के 5 नगर निकायों में वार्ड गठन का काम अभी शुरू नहीं हुआ है। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पांचवें चरण में शिवहर, नालंदा और नवादा नगर परिषद शामिल है। यहाँ बिहार में सभी नगर निकायों में वार्ड गठन और वोटर लिस्ट का काम पूरा होने के बाद निर्वाचन आयोग चुनाव की तैयारियों में जुट जाएगा। माना जा रहा है कि बारिश का मौसम खत्म होते ही राज्य में सितंबर अक्टूबर के महीने में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज जाएगा। इन जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट। बिहार में मॉनसून की गतिविधियां एक बार फिर तेज हो गई हैं। बीते दिन राजधानी पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी कर 4 जिलों में मेघ गर्जन के साथ बारिश के आसार जताए हैं। ताजा अलर्ट के मुताबिक अरवल, जहानाबाद, नालंदा और शेखपुरा जिले के कुछ हिस्सों में देर शाम तक हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। वहीं लोगों से वज्रपात के दौरान सावधानी बरतने की अपील की गई है। इस दौरान कई जगहों पर आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। राजीव नगर नेपाली नगर मामले में 6 गृह निर्माण समितियों के खिलाफ हुई FIR दर्ज। पटना के राजीव नगर थाना के नेपाली नगर में अवैध निर्माण को लेकर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। इस बीच पटना के राजीव नगर और नेपाली नगर में बिहार राज्य आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में भू माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। पटना हाई कोर्ट के निर्देश के बाद आवास बोर्ड की ओर से 6 गृह निर्माण समितियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। इसके साथ ही नेपाली नगर में अवैध निर्माण को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें पुलिस प्रशासन, आवास बोर्ड और तकनीक विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। बिहार के डाकघरों में बड़े पैमाने पर अकाउंट हो रहे बंद। साल 2021-22 में राज्य के डाकघरों में अलग अलग योजनाओं के बैंक अकाउंट बंद होने में बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले 3 साल की बात करें तो रिपोर्ट के मुताबिक अलग अलग योजनाओं के लगभग 1,91,00,000 अकाउंट बंद हो चुके हैं। साल 2019-20 की बात करें तो बिहार सर्कल डाक विभाग के 25 डिवीजन में बचत खाता, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के तहत पोस्ट ऑफिस में करीब 3,16,30,292 अकाउंट्स थे। इस आंकड़े में साल 2021-22 में इस आंकड़े में गिरावट दर्ज की गई है, जिसके बाद यह आंकड़ा 1.5 करोड़ के पास पहुंच गया है। वहीं 2022-23 में यह आंकड़ा 1,25,26,686 हो गया है। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इस कड़ी में पर्यटन विभाग की ओर से बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर का सौंदर्यीकरण कार्य किया जा रहा है। आज यानी गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर स्थित ब्रह्मपुर में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर के विकास और सौंदर्यीकरण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री और बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और विधान परिषद के कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि बक्सर में बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर काफी पुराना और प्रसिद्ध है और इसके विकास को लेकर लंबे समय से मांग हो रही थी।
आफत की बारिश में 5 लोगों की गई जान। लंबे इंतजार के बाद राज्य के अधिकतर जिले में बीते दिन जमकर बारिश हुई। हालांकि कुछ क्षेत्रों में अभी भी लोग बारिश के लिए तरस रहे हैं, लेकिन जहां बारिश हुई वहां के लिए आफत ही बन गई। बीते दिन तेज बारिश के दौरान हुई वज्रपात की वजह से 5 जिलों में 5 लोगों की जान चली गई। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राज्य के 5 जिलों में वज्रपात से 5 लोगों की मृत्यु दुखद है। मृतक के आश्रितों को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। वज्रपात से बचाव हेतु आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा जारी सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर हाईकोर्ट ने 28 तक AAI से मांगी रिपोर्ट। राज्य में एक भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं है। इसको लेकर पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर उचित निर्णय लेने को कहा गया है। दरअसल मुख्य न्यायाधीश संजय करोल एवं न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने गौरव कुमार सिंह द्वारा दायर लोकहित याचिका पर बीते दिन सुनवाई की। इस मामले में राजीव प्रताप रूढ़ी ने जानकारी देते हुए कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार चाहती है कि बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बने और इसके लिए केंद्र की ओर से राज्य सरकार को पत्र भी लिखा जा चुका है। सुनवाई के दौरान एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सहमति जताते हुए कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए सस्ती जमीन बिहार में मौजूद है। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। बिहार बनेगा राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का साक्षी। 30 और 31 जुलाई को राजधानी पटना में भाजपा की होने वाली बैठक ऐतिहासिक होने जा रही है। दरअसल पटना में यह पहली बार होगा जब भाजपा अपने संयुक्त मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक करेगी। इस बैठक का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे। इस बैठक की तैयारी को लेकर बीते दिन बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इसको लेकर बैठक की और बताया कि 30 और 31 जुलाई को आयोजित बैठक में सभी 7 मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भाग लेंगे। देश में पहली बार भाजपा द्वारा आयोजित सभी मोर्चा के ऐतिहासिक राष्ट्रीय कार्य समिति बैठक का बिहार साक्षी बनेगा। कांग्रेस अध्यक्ष से ईडी की पूछताछ को लेकर बिहार में विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर बिहार में जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। इससे पहले राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने आपत्ति जताई थी। अब इसके बाद आज नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ का कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता विरोध किया है। इसके लिए आज देशभर में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान राजधानी पटना में कारगिल चौक पर कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने उतरे। सुबह सवेरे गांधी मैदान इलाके में कांग्रेस के प्रदर्शन की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई थी। पप्पू यादव ने कहा, ईडी आखिर तेजस्वी यादव से क्यों नहीं पूछताछ करती। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लपेटे में लिया है। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव का ये मानना है कि तेजस्वी यादव पर इतने सारे केस हैं, फिर भी ईडी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। जाप अध्यक्ष ने इसके पीछे की वजहों के बारे में भी बताया है। पप्पू यादव ने कहा कि अन्य नेताओं पर ईडी का केस दर्ज होने के बाद उन पर कार्रवाई होती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई, लेकिन वो कौन सा कारण है कि तेजस्वी पर इतने सारे केस होने के बाद भी ईडी उन पर कार्रवाई नहीं करती। उन्होंने दावा किया है कि तेजस्वी कि बीजेपी के साथ सेटिंग है। पप्पू यादव का आरोप है कि बीजेपी यह नहीं चाहती है कि बिहार में तेजस्वी यादव बिहार के सीएम के नजदीक जाए। जीतन राम मांझी के बयान से एक बार फिर चर्चा का बाजार गर्म। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बीच जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से अपने बयानों से चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। यह बयान उन्होंने शराबबंदी को लेकर दिया है। वैसे पहले भी उन्होंने शराबबंदी पर कई बयान दिए हैं, एक बार फिर से उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, शराब नीति पर कटाक्ष करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि डॉक्टर भी थोड़ी सी शराब दवा के रूप में लेने के लिए बोलते हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने अग्निवीर योजना को हास्यास्पद करार दिया। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में जाति प्रमाण पत्र मांगना अपमानजनक है। JEE मेन दूसरी सत्र की परीक्षा हुई स्थगित। JEE मेन की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बीते दिन इसकी घोषणा कर दी है, जिसमें कहा गया है कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन स्थगित कर दी गई है। 21 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षा अब 25 जुलाई को शुरू होगी। NTA ने कहा कि JEE मेन का दूसरा सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा, जिसमें करीब 500 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 6.29 लाख छात्र शामिल होंगे। NTA ने हालांकि
भी इस महत्वपूर्ण परीक्षा को स्थगित करने की वजह नहीं बताई है। कोरोना के मामले में उतार चढ़ाव जारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज यानी गुरुवार को जारी किए गए कोरोना रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 21,566 नए मामले सामने आए हैं, जो 152 दिनों बाद आए संक्रमण के सबसे अधिक मामले हैं। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1,48,881 हो गई है, जहां देश भर में कुल 45 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं बिहार की बात करें तो यहां बीते दिन जारी किए गए पिछले 24 घंटों के आंकड़ों के अनुसार कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद राज्य भर में कुल 469 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। वहीं राजधानी पटना की बात करें तो यहां सबसे अधिक 189 नए मामले दर्ज किए गए हैं। लीजेंड्स लीग क्रिकेट में खेलने को लेकर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली का बयान। लीजेंड्स लीग क्रिकेट को अपने उद्घाटन सीजन में काफी लोकप्रियता हासिल हुई थी और भारत में इसे काफी पसंद किया गया था। टूर्नामेंट के पहले सीजन के सफल आयोजन के बाद आयोजन दूसरे सीजन के साथ वापसी के लिए तैयार है। इस सीजन वीरेंद्र सहवाग समेत कई बड़े नाम खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि बीते दिन एक रिपोर्ट आई कि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी इस सीजन नजर आने वाले हैं और इसके बाद से ही चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। इस बीच गांगुली ने अब खुद रिपोर्ट को लेकर अपना रुख साफ किया है और उन्होंने वापसी से इनकार कर दिया। पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी लीजेंड्स लीग का हिस्सा नहीं हूँ, खबर सच नहीं है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमरजीत यादव, उमेश ऋषिदेव, रंजीत मिश्रा, सत्येंद्र साह, राकेश कुमार, कुलदीप कुमार, कश्वी यादव, अजय यादव, अनिश कुमार, अमित कुमार और आफ्ताब आलम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने में सफल होती हुई दिख रही है या नहीं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार की तमाम खबर के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।